بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा सीरत का 11वां जुमा है। पिछले जुमा को हमारा सीरत का 10वां जुमा था 10वां जुमा था जिसमें मैंने गज़वा बदर का वाकिया सुनाया था, लेकिन मैंने उसे 11वां जुमा कहा था। दर हकीकत ये 11वां जुमा है, गज़वा उहद का वाकिया आज बयान होगा। और पिछला जो जुमा था जिसमें गज़वा बदर का वाकिया बयान हुआ था, वो हमारा 10वां जुमा था। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज के जुमा में मैं हिजरत के तीसरे साल के वाकिया सुनाऊंगा। दूसरे साल के वाकियात में हमने गज़वा बदर का पूरा किस्सा सुना था और असीरा ने बदर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर किस तरीके से आज़ाद किया, वो सारी तफासिल हमारी आ चुकी है। गज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह ने जो कामयाबी अता की थी, मुशरिकी ने मक्का भी उसे पचा नहीं पाए, और मदीने के जो यहूद थे वो हसद और जलन के अंदर और भी ज़्यादा जलने लगे। हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने में पहुँचे गज़वा बदर की कामयाबी की खुशखबरी सुनाने के लिए, तो यहूद का जो कबीला है उसका सरदार काब इब्ने अशरफ वहाँ पे मौजूद था। उसने कहा कि तू झूठ बोलता है, हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा से कहा, और तेरे मुँह पे खाक हो, इसलिए कि कुरैश वो अरब के शुराफा है, उनको शिकस्त हो ही नहीं सकती। लेकिन जब उसको ये यकीन हो गया और पता हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हकीकतन कामयाबी अता की और मुशरिकीन मक्का जलील व ख़ार हो गए, उसके बाद काब इब्ने अशरफ कहने लगा कि हाय अफसोस, अब दुनिया में जीने का कोई मज़ा बाकी नहीं रहा। वो मक्का गया और मक्का जाने के बाद में मुशरिकीन मक्का को वरगलाने का, मुसलमानों के खिलाफ बहकाने का और मुसलमानों के खिलाफ उकसाने का काम करने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी का यह मिशन बना दिया कि मुशरिकीन मक्का के वो लोग जो गज़वा बदर में मर चुके थे, उनके नाम ले लेकर उनके रिश्तेदारों के अंदर दुश्मनी की आग को भड़काया जाए। और जब वो मक्के का पूरा माहौल ख़राब कर चुका, उसके बाद वापस मदीने में आया। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि मदीने में जहाँ एक तरफ यहूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, वही दूसरी तरफ एक जमात पैदा हो चुकी थी जिनको मुनाफिकीन कहा जाता है। जाहिरी तौर पर ये मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर इनका मकसद ये था कि इस्लाम को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए और इस्लाम को कैसे ख़त्म किया जाए। ये जो मुनाफिकीन थे, इनका सरदार था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने उबई था, ये मुनाफिकीन का सरदार था। अब मुशरिकीन मक्का तो अल्लाह के नबी के और मुसलमानों के दुश्मनी में जल रहे थे। काब इब्ने अशरफ ने मदीने में आने के बाद भी यहूद के अंदर भी वही साजिशें शुरू कर दी और मुसलमानों के खिलाफ वो उनको भड़काने लगा। तो एक वाकिया ज़हूर में आया, इसलिए कि मदीने में यहूद के तीन कबीले रहते थे जो सबसे बड़े शुमार होते थे, बनू नुज़ैर, बनू कुनैका और बनू कुरैज़ा। ये तीन बड़े बड़े कबीले आबाद थे। एक अंसारी मुसलमान औरत, वो कुछ दूध बेचने के लिए बनू नुज़ैर के कबीले में गई, वहाँ पे बाज़ार लगता था, उन्होंने वहाँ पे वो सामान बेच दिया और जो नफ़ा आया उस नफ़े के पैसों से अपने लिए सोने का एक जेवर ख़रीदने के लिए एक यहूदी के दुकान पर गई। उस यहूदी ने उस मुसलमान औरत के ऊपर एक तंद कसा, उसको देखकर एक कमेंट मारा, जिसे आज की ज़ुबान में हम कहते हैं कमेंट करना।
उस मुसलमान औरत को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उस मुसलमान औरत और उस यहूदी के अंदर आपस में बातचीत बढ़ गई। एक अंसारी सहाबी, उन्होंने देखा कि एक यहूदी एक मुसलमान औरत के साथ बदसलूकी कर रहा है, वो उस मुसलमान औरत के दिफा के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो उस यहूदी और उन अंसारी के अंदर आपस में लड़ाई हो गई, यहाँ तक के तलवारें चलने लगी और वो अंसारी सहाबी शहीद हो गई। वो शहीद होने के बाद में फिर और जो मुसलमान वहाँ थे वो जमा होकर उन्होंने यहूदी पर हमला कर दिया और फिर उसके अंदर वो यहूदी भी मर गया। उसके मरने के बाद फिर यहूद ने मुसलमानों पे हमला किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस पूरे वाकये की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की एक जमात लेकर बनू नुज़ैर के किलों की तरफ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो इनके 700 लोगों ने मुसलमानों का मुकाबला किया और अपने किलों में महसूर हो गए। महसूर होने के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता की और सारे के सारे मुसलमानों के कैदी बन गए। अब सब लोगों का गुमान ये था कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदियों को तो फिदिया लेके आज़ाद कर दिया था, सिर्फ दो सबसे ज़्यादा जो मुतशद्दिद थे जिसमें उकबा इब्ने अबी मुईत और एक एक मुशरिक था, उनके सर कलम करने का हुक्म दिया, बाकी को तो छोड़ दिया था। मगर बनू नुज़ैर के जो कैदी है उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कत्ल करेंगे, इसलिए कि जंग का एक कायदा ये होता था कि दुश्मन के जितने भी लोग पकड़े जाते थे उनकी या तो गर्दनें काट दी जाती थी या उनको आपस में तकसीम करके गुलाम और बांदियां बना दिया जाता था या उनको बाजारों में बेच दिया जाता था। मगर चूंकि अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था उसने आपस में बीच में सुलह सफाई का काम किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुआफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हुजूर नादान लोग हैं, इनको माफ़ कर दो। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे, अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा ही था रहमत बनाकर, आपके मिजाज में था ही नहीं लोगों के ऊपर सख्ती करना या लोगों को कत्ल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच करके इनसे दीन का फायदा होगा, जैसे आपने बदर के कैदियों को आज़ाद कर दिया था वैसे ही आपने बनू नुज़ैर के कैदियों को भी आज़ाद करने का हुक्म दे दिया और उन सारों के सारों को पकड़ के ले जाकर खैबर में छोड़ दिया गया। बस ये मुआहिदा किया गया कि वो लोग मदीने में नहीं रहेंगे, उनको खैबर भेज दिया गया। वहाँ से वहाँ जाने के बाद इन लोगों की जो दुश्मनी थी और भी ज़्यादा भड़कने लगी और काब इब्ने अशरफ मुसलमानों की दुश्मनी में मुसलमान औरतों के नाम से शायरी करने लगा। वो मुसलमान औरतों के नाम लेता और उन नामों के साथ उनके जिस्म के हिस्सों के नाम ले लेकर लोगों के दरमियान में वो ऐसे अशार पढ़ा करता जिससे औरतों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी हिजू करता, गुस्ताखिया करता और शायरी में आपको गालियां देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दो रिवायतें मिलती है, एक में मिलता है कि मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा उन्होंने जाकर जो है उसको कत्ल कर दिया काब इब्ने अशरफ को, और दूसरी में ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ईशा की नमाज में फरमाया कि काब इब्ने अशरफ ने मुसलमान औरतों का जीना मुश्किल कर दिया है, नबी की शान में गुस्सा किया करता है, क्या तुम में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है जो उसका सर कलम करके ला सके। बड़े बड़े जो पहलवान सहाबा थे उन्होंने सोचा कि ठीक है सुबह में उसका किला कुमा कर देंगे, सुबह उसके बारे में मशवरा करेंगे। मगर एक सहाबी जो नाबीना थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु था, उन्होंने दुआ की और कहा कि ऐ अल्लाह मैं नाबीना हूँ, जब तेरे प्यारे नबी किसी दीन की लड़ाई में जाते हैं तो मुझे साथ लेकर नहीं जाते, मदीने में अपना नाइब बनाकर छोड़कर जाते हैं, ये ऐसा वक्त आ चुका है कि मैं भी वैसा करना चाहता हूँ जैसे दूसरे सहाबा जंग के मैदानों में जाकर करते हैं, मेरी दुआ को कबूल कर ले और काब इब्ने अशरफ का कत्ल तू मेरे हाथों करा दे।
नाबीना साहबी के जज्बे देखो, तलवार लेके अंधेरे में निकल गए और पता करते करते अपने हाथों से पहुंच गए काब इब्ने अशरफ के कोठी के करीब। उसके महल के अंदर नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, ये अंधेरे में एक कोने में छुप गए। नाच गाने का जब प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद अंधेरे में लोग जब बाहर निकलने लगे तो ये अंदर घुस गए और अंधेरे अंधेरे में उसके बिस्तर के करीब पहुंच गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उस पर ऐसा वार किया कि एक ही वार के अंदर उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया और वापस अपने घर पे आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के अंदर, सारे सहाबा बैठे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है रात में क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम कहाँ है। वो बैठे हुए थे मजमे के अंदर, कहा कि हुजूर मैं इधर बैठा हुआ। आपने कहा कि अब्दुल्लाह रात में तूने जो अमल किया अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। सहाबा पूछने लगे कि हुजूर इन्होंने रात में क्या किया। बोले ईशा में मैंने जिस काब इब्ने अशरफ के सर को कलम करने का हुक्म दिया था इन्होंने रात के अंधेरे में ही उसका काम तमाम कर दिया। ये थे सहाबा के जज्बे, अमल करके हुजूर को आके बोले भी नहीं कि मैंने ये काम किया हूं। सहाबा एक दूसरे से कहने लगे हम तो ये सोच रहे थे कि दिन निकलेगा, मशोरा करेंगे, एक दूसरे की राय लेंगे, फिर तलवार लेके उसके घर पे जाएंगे, फिर उसको कत्ल करेंगे। इन्होंने तो रातों रात में ही उसको कत्ल कर दिया, उसका काम तमाम कर दिया। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, काब इब्ने अशरफ जब कत्ल हो गया तो मक्के वालों की दुश्मनी और भी बढ़ने लगी। क्यों? इसलिए कि काब इब्ने अशरफ ने ही उनको भड़काने का काम किया था। अबू सुफियान गज़वे बदर के मौके पे जो तिजारत का माल लेकर मक्के में गया था उसमें 50,000 मिसकाल सोना और 1,000 ऊंट नफे में मुशरिकी ने मक्का के हिस्से में आए थे। उन्होंने ये तय किया कि ये तमाम क्या तमाम सोना और ये सारे क्या सारे ऊंट ये आपस में तकसीम नहीं होंगे नफे के, बल्कि ये पैसे को और इन ऊंटों को मुसलमानों के खिलाफ जंग में किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अपनी फौज को मजबूत करना है। और उसके बाद मुशरिकीन मक्का ने एक मुनज्जम और ताकतवर हमला मदीने के ऊपर करने का इरादा किया कि ऐसा हमला करेंगे कि मुसलमानों को उसके बाद मुकाबले की ताकत ही बाकी नहीं रहेगी। 3,000 जंगजू तैयार किए गए, 3,000 का पूरा लश्कर तरतीब दिया गया और वो जो 3,000 का लश्कर था वो लश्कर लेकर अबू सुफियान की क़ियादत में ये लश्कर मक्के से मदीने की तरफ रवाना हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में, आपको कुछ खबर और पता ही नहीं, जब ये लश्कर मदीने के करीब पहुंचा तब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मक्के से इतना बड़ा लश्कर निकल चुका है और अन करीब वो मदीने के ऊपर हमला करने ही वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन को बुलाया मशवरे के लिए कि क्या किया जाए। अब हर एक ने अपनी अपनी राय दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा ये था कि मक्के में रहकर मुशरिकीन मक्का से मुकाबला किया जाए, मदीने में रहकर मुशरिकीन मक्का से मुकाबला किया जाए। लेकिन जो दूसरे सहाबा थे उनकी राय थी कि हुजूर मदीने से बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। अब्दुल्लाह इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था उसका भी मंशा यही था कि मदीने में रुककर उनका मुकाबला करें। मगर जब सारे सहाबा की राय ये आई कि हुजूर मदीने में रहकर मुकाबला करना मुनासिब नहीं है, मदीने से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर मुकाबला करेंगे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अक्सरियत की राय पर फैसला करना पड़ा और आपने ये फैसला दिया कि ठीक है, जब आप तमाम लोग ही ये चाहते हैं कि मदीने से बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए तो मदीने से बाहर निकलकर हम मुकाबला करेंगे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया
कि 14 शव्वाल सन 3 हिजरी को जुमा की नमाज के बाद में मुसलमानों का लश्कर जो है ओहद पहाड़ के दामन में जाएगा और वहां पर हम लोग जो है मुशरिकीन मक्का का मुकाबला करेंगे। तब तक मुशरिकीन मक्का का जो लश्कर था वो वहां पे आके पहुंच चुका था। जुमा का दिन आया, 14 शव्वाल सन 3 हिजरी, जुमा की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के रवानगी का हुक्म दिया और मदीना मुनव्वरा के अंदर उन्हीं नाबीना सहाबी जिनका मैंने अभी वाकया सुनाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको अपना नायब बनाया, इमामत की जिम्मेदारी दी और लश्कर के रवानगी का हुक्म दिया। अब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर निकला। मुशरिकीन का 3,000 का लश्कर ऐसा था जो तीर तलवार और नेजों से लैस था और ये मुसलमानों का मुख्तसर लश्कर जिसमें सिर्फ 700 सहाबा थे। कितने सहाबा थे भाई? 700 की जमात मुसलमानों की थी। ये मुख्तसर सा लश्कर लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की तरफ रवाना हो गए। उलमा ने लिखा है कि ये मुख्तसर सा लश्कर भी जो था हुजूर का, उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की थी अभी जिनकी उम्र 15 साल को भी नहीं पहुंची थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रवाना हो गए। अब उहद का जो पहाड़ है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसके दामन में आपने क़ियाम किया। उहद का पहाड़ बिल्कुल मदीने के सामने है और मदीने से 3 मील की दूरी पर है और उसकी बनावट ऐसी है वो ऐसा चांद के जैसा बना हुआ है और उसके एक तरफ से छोटी सी पहाड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छोटी सी पहाड़ी के करीब में क़ियाम किया। 14 शव्वाल का दिन जो था जुमा का वो चला गया। अब दूसरा दिन आया, 15 शव्वाल सन 3 हिजरी शनिचर का दिन, सुबह के वक्त में दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने जो है खड़े हो गए। एक तरफ तो मुशरिकीन का लश्कर था जिसमें अबू सुफियान, उबई इब्ने खल्फ, खालिद इब्ने वलीद, इकरमा इब्ने अबू जहल, ये सब लोग थे। पुराने जो लीडर थे वो तो सब दुनिया से जा चुके थे बदर में ही, रबिया, उतबा, शैबा, वलीद, मुगैरा, उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, ये सब का खात्मा हो चुका था। अब ये दूसरी जमात थी और इधर मुसलमानों की तरफ से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमना पर हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के हकीकी फूफीजाद भाई भी थे उनको खड़े किया। मुकद्दमतुल जैश पर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़े किया और मुसलमानों का जो झंडा था वो हजरत मुसब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में दिया। मुशरिकीन की तरफ से एक औरतों की भी बहुत बड़ी जमात थी। ये वो औरतें थी जिनके शोहर गज़वे बदर के अंदर मर चुके थे, उनकी बेवाएं थी, उनकी रिश्तेदारियां थी, जिनमें अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिनते उतबा, ये वो उतबा की बेटी थी जिस उतबा को हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही वार के अंदर गज़वे बदर में शुरू में ही मुबारिजा जब हो रहा था कत्ल कर दिया था। उसने कसम खाई थी कि मेरे बाप उतबा को हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया है, इसलिए जब तक मैं हमजा का कलेजा नहीं चबाऊंगी उस वक्त तक मेरे रूह को सुकून नहीं मिलेगा। तो जुबैर इब्ने मताम का एक गुलाम था जिसका नाम वहशी था, उसने वहशी से कहा कि देख, अगर तू हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करता है तो मैं तुझे अपने बदन पर का पूरा सोना निकाल के दे दूंगी और उसके बदले में तुझे आजादी भी मिलेगी। ये जो वहशी गुलाम था, एक छोटा नेजा आता है वो नेजा चलाने का ये एक्सपर्ट और माहिर समझा जाता था। अब
वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताक में था और मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ था, उसके बाद में मुकाबला शुरू हो गया। अब जब मुकाबला शुरू हुआ, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकीन के लश्कर को ऐसा चीरते हुए निकल गए, लाशों के ढेर लगा दिए उन्होंने। हजरत अली करम अल्लाह वजहहू ने ऐसी तलवार चलाई उहद के मैदान के अंदर कि जिसके हाथ में मुशरिकीन का झंडा था उसकी गर्दन को आपने तन से जुदा कर दिया एक ही वार के अंदर। इसीलिए हजरत अली को शेरे खुदा कहा जाता है। ऐसी तलवार थी उनकी, उनकी तलवार का नाम जुल्फिकार था। और जैसे ही उन्होंने जिसके हाथ में मुशरिकीन का झंडा था उसकी गर्दन को उड़ा दिया, फौरन एक दूसरे ने झंडा उठा दिया, आपने दूसरे की भी गर्दन काट दी। उलामा ने लिखा हुआ है कि 8 लोग जिन्होंने उस दिन झंडा उठाया था हजरत अली करम अल्लाह वजहहू ने उन आठों के सरों को उनके तन से जुदा कर दिया। ये थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु था उनके पास में दे दी। अब ये जो हजरत अबू दुजाना थे, हुजूर की तलवार मिलने के बाद इनके बदन के अंदर डबल एनर्जी आ गई, डबल ताकत आ गई। मैदान के अंदर सीना ताल के तान कर ये चलने लगे और तलवार को इस तरह से नुमाइश करने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर फख्र से चलना अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं, मगर कुफार और मुशरिकीन को दिखाने के लिए जायज है। किसको दिखाने के लिए जायज़ है? कुफार और मुशरिकीन के दिलों पे रोब और दबदबा डालने के लिए ऐसा सीना तान के चलना ये तुम्हारे लिए जायज़ है। और हुजूर की तलवार लेके वो भी मैदान में घुस गए, मुशरिकीन की लाशों के ढेर लगा दिए मुसलमानों ने और मुशरिकीन पीछे हटने लगे। उनके जो मजमा और जो लश्कर था 3,000 का, मुसलमान उनके मुकाबले में 1/4 भी नहीं थे, ना क्वांटिटी के हिसाब से, ना ताकत के हिसाब से, ना उनके बराबरी की तलवारें मुसलमानों के पास में थी, ना उतनी तादाद थी। लाशों के ढेर लगने लगे मुशरिकीन के। और हजरत हमजा वो बस दुश्मनों की गर्दनें उड़ाते उड़ाते नरगे के अंदर चले गए मुशरिकीन के बीच में। उसी का फायदा उठाकर वहशी ने दूर से उनको देखा और एक नेजा पूरी ताकत से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे पर मारा जो उनके दिल को चीरता हुआ इधर से उधर निकल गया। और सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर से जमीन पे गिरे और शहीद हो गए और मुशरिकीन का लश्कर पीछे सरकने लगा। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके हाथों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी, वो भी मुशरिकीन की लाशें गिराते हुए आगे बढ़ने लगे। और अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिनते उतबा जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाने की कसम खाई थी, हजरत अबू दुजाना ने उस तलवार को उठाया और उठा के बस वो उसके गर्दन पे मारने ही वाले थे कि उनको फौरन ख्याल आया, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को किसी औरत के खून से नहीं रंगना चाहता। सामने औरत आ गई और तलवार हुजूर की थी, हुजूर की तलवार औरत के खून में ना रंगी जाए इसके लिए हजरत अबू दुजाना ने उस हिंदा को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी तलवार पीछे कर ली। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा मैंने पहले बताया कि उहद का पहाड़ वो चांद के जैसा ऐसा है और एक तरफ से ऐसी पहाड़ी लाइन है छोटी सी टेकड़ी आज भी है। हुजूर ने उस टेकड़ी के ऊपर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को अमीर बनाकर 50 सहाबा के एक दस्ते को बिठा दिया और कहा कि याद रखो, जंग का नक्शा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये जगह छोड़ के कहीं पे जाना मत, बस ये मेरा हुक्म है। अमीर लश्कर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने
तमाम लोगों को समझाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जब तक हुजूर हमको नीचे नहीं बुलाएंगे हम नीचे नहीं जाएंगे, हमको यही रुकना है। और सारे लोग वहीं पे डटे रहे। अब मुशरिकीन जो थे मुसलमानों ने उनको दबाना शुरू कर दिया, इसलिए कि पहाड़ एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो टेकड़ी, निकलने को रास्ता नहीं, मुशरिकीन भागने लगे वहां से। 90% मुसलमान ये जंग जीत चुके, और उसके बाद मुशरिकीन के लश्कर में जब तित्तर बित्तर हो गए तो हजरत खालिद इब्ने वलीद, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो मुशरिकीन की तरफ से लड़ रहे थे। खालिद इब्ने वलीद ने ये देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टेकड़ी पे 50 लोगों की एक जमात बिठाई हुई है। अब वो जो 50 लोगों की जमात थी उस वजह से उधर से कोई हमला नहीं कर सकता था, मगर लोगों ने जब ये देखा वो जो 50 लोग थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के अमीरी के अंदर, कि मुसलमानों को तो कामयाबी हो चुकी है, मुशरिकीन अपना सामान फेंक फेंक के मैदान से बाहर भाग रहे हैं, उन्होंने अमीर लश्कर से कहा कि देखो हुजूर का हुक्म खाली जंग के वक्त था, अब जंग खत्म होने को आई है, मुसलमानों को कामयाबी तो हो ही चुकी है, इसलिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखो नीचे मत जाओ, हुजूर ने कहा है कि जब तक हुजूर नहीं बुलाएंगे नीचे नहीं उतरना है। उन्होंने कहा हुजूर का हुक्म सिर्फ जंग तक था, अब तो जंग खत्म हो गई, ये सोच के वो लोग नीचे उतरने लगे और अमीर लश्कर वहीं पे डटे रहे। खालिद इब्ने वलीद ने ये देखा कि वो मेन जगह, वो टर्निंग पॉइंट जहां से हम लोग घुस सकते थे, वहां पे 50 लोग जब तक थे किसी की हिम्मत नहीं थी इधर मैदान में आने की उधर से, लेकिन उन्होंने देखा कि अब तो वो जगह खाली हो चुकी है। एक मील का ऐसा रास्ता तय किया अपने साथ 100 शह सवारों को लेकर, और एक मील का ऐसा लंबा राउंड मार के उहद के पहाड़ के पीछे से पूरा इस तरीके से वो राउंड मार के आए, और आने के बाद इधर के रास्ते तो सब बंद हो चुके थे, वो जो छोटी सी जगह खाली बच गई थी 50 सहाबा जिसको छोड़ के नीचे उतर गए थे, वहां से वापस से वो मैदान के अंदर घुस गए। अब इन्होंने पीछे से हमला कर दिया मुसलमानों पर, मुसलमान भाग रहे मुशरिकीन के पीछे, और खालिद इब्ने वलीद और उनके जो 50 सवार थे वो भागने लगे मुसलमानों के पीछे, और उन्होंने पीछे से मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। सामने वाले मुशरिकीन ने जब ये देखा कि पीछे से भी हमारी फौज है, सामने से भी हम हैं, और मुसलमान आ चुका है बीच में, तो अब इनको दोनों तरफ से दबाओ। अब मुशरिकीन जो भाग रहे थे वो भी वापस से पीछे पलट गए, और पलटने के बाद उन्होंने मुसलमानों को सामने से और खालिद इब्ने वलीद के 100 शह सवारों ने पीछे से मुसलमानों को पूरी तरह से नरगे में ले लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जान पेशानी के साथ में लड़ रहे थे इस ग़ज़वे उहद के अंदर, तो अचानक एक मलऊन इब्ने कुमिया उसका नाम था, उसने देखा कि अल्लाह के नबी अकेले खड़े हुए हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा हमला किया जिससे आपके सर में जो टोपी होती है लोहे की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के ऊपर उसके दोनों हिस्से घुस गए, खून बहने लगा। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए, उन्होंने पूरी ताकत से उसको खींचा जिससे उनका एक दांत शहीद हो गया, और दूसरी तरफ का जो खींचा उससे दूसरा दांत शहीद हो गया। दोनों दांत अल्लाह के नबी के लिए उन्होंने अपने शहीद कर दी। इब्ने कुमिया ने देखा कि अभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, उसने दूर से एक पत्थर उठाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंका, जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर लगा और आपके दो दांत शहीद हो गए और आप एक गड्ढे के अंदर गिर गए। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए, इब्ने कुमिया ने पूरे लश्कर में जोर से आवाज लगाई, कद कतलतु मुहम्मदन, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। जैसे ही ये जुमला मुसलमानों के कानों में पड़ा, मुसलमानों के जोश खत्म हो गए, मुसलमानों के बदन में से ताकत जैसे के निकल गई। उन्होंने जैसे ही ये सुना कि हुजूर शहीद हो गए तो अब तो कुछ राय नहीं हमारे पास, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हुए। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला ने आपको फौरन खींच के बाहर निकाला और आपने जोर से आवाज दी,
إلي عباد الله أنا محمد الرسول الله اے اللہ کے بندو میری طرف آ جاؤ, میں محمد الرسول اللہ ہوں, میں زندہ ہوں, میں ابھی شہید نہیں ہوا ہوں. حضور نے جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا, مسلمان فوراً حضور کی خیر خیریت لینے کے لیے پہنچنے لگے. ابن قمیہ نے دیکھا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جاتے ہیں تو جنگ ہم کسی بھی حال میں جیت گئے. اس کے لیے سارے مشرکین نے حضور کو اپنا سینٹر اور مرکز بنا دیا اور حضور کو ٹارگیٹ بنا کر سب حضور پہ حملہ کرنے لگے. تیروں سے مسلسل جب حضور پہ حملہ ہونے لگا, حضرت زبیر نے اپنا ہاتھ بیچ میں کیا اور ان کا ہاتھ وہ تیروں کی وجہ سے شل ہو گیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی طرف چہرہ کر کے حضور کو ایسا اپنی باہوں میں لے لیا اور پیٹھ کے اوپر اتنے تلواروں کے زخم پڑے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. چاروں طرف سے مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے لگے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی تلوار لے کے مشرکین پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے مشرکین کو پیچھے دھکیل دیا. حضور نے فرمایا مسلمانوں سے, اب فوراً پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دو, اس لیے کہ اب ہمارے لیے جو جیتی ہوئی بازی تھی اس کو بچانا مشکل ہے. فوراً پہاڑوں پہ چڑھو ورنہ پتہ نہیں اور کتنے مسلمانوں کا نقصان ہوگا. اور مسلمان پہاڑوں پہ چڑھنے لگے. اب پہاڑ پہ جب مسلمان پہنچ گئے, اس کے بعد ابو سفیان نے اعلان کیا اور کہا کہ کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہے ابو بکر؟ حضور نے فرمایا اس کو جواب مت دو. کہاں ہے عمر؟ کسی نے بھی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلی حبل اعلی حبل, یعنی حبل کی جے ہو, حبل کی جے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم کہو اعلی اللہ اعلی اللہ, کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ کی جے ہو, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب حضرت عمر نے ایسا کہا تو ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ارے تمہارے پاس میں کوئی عزا نہیں ہے, ہمارے پاس تو عزا بت ہے, وہ بت کی مہربانی سے ہی ہم نے تمہارے اوپر کامیابی حاصل کی. حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم, ارے ہمارا پالنہار تو اللہ ہے, تم لوگ ایسے ہو کہ تمہارا کوئی پالنہار نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہ بدر کا بدلہ ہے جو ہم نے تم سے لے لیا, اب ہمارا تمہارا مقابلہ برابر ہو گیا, بدر میں تم کامیاب ہو گئے تھے, اب ہم کو کامیابی ملی, حالانکہ احد میں ان کو کامیابی نہیں ملی تھی, ان کے بھی بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے, اب ہمارا تمہارا مقابلہ اگلے سال واپس سے ہوگا. حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ بالکل اس کو جواب دو کہ ہاں اگلے سال پھر ایک مقابلہ ہوگا. اور اس کے بعد ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ میدان میں جا کر دیکھو کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں. جب شمار کیا گیا تو 65 انصار صحابہ تھے اور 4 مہاجر صحابہ تھے جو میدان کے اندر بکھرے پڑے تھے, جن میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور جس میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال ہو چکا تھا کہ ہندا نے ان کے ناک کان اور آنکھ کو نکال دیا تھا اور ان کا کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی مگر چبا نہیں سکی. مصعب ابن عمیر بھی اسی حالت میں تھے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کا جمعہ کے دن نکاح ہوا تھا اور جمعہ کے دن وہ اپنے بیوی کے ساتھ پہلی رات گزار کر سنیچر کے دن صبح میں غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور آواز لگی کہ مشرکین نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر دیا ہے. بغیر غسل کیے کہ نکل گئے, مشرکین کے لشکر میں گھس کر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور خود بھی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنزلہ کو دفن کرو,
जब उनको दफन किया जाने लगा तो हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। सहाबा ने पूछा, हुजूर आपने क्यों चेहरा फेरा है? आपने फरमाया कि इनको फरिश्ते गुसल दे रहे हैं, इसलिए कि ये अपने घर से जनाबत का गुसल नहीं करके निकले थे। अल्लाह ने इनको तदफीन से पहले फरिश्तों के जरिए से गुसल दिला दिया, इसीलिए हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को गसीलुल मलाइक कहते हैं। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी और हजरत हमजा की बहन थी, वो तेजी के साथ मैदान में आने लगी। हुजूर ने कहा, वो जो औरत आ रही है उनको रोको। हजरत जुबैर ने पहचान लिया, मेरी वालिदा आ रही है, वो गए रोकने के लिए। उन्होंने अपने बेटे को जोर से कोनी से मार के एक तरफ गिरा दिया। वो जमाने की औरतें भी ऐसी थी। वो खड़े हुए और कहा कि अम्मी जान, आपको हुजूर ने रुकने के लिए कहा है। बोले, बेटा जा और मेरे भतीजे से जाकर ये कहना, वो अगर ये सोचता है कि मैं अपने भाई पे रोने के लिए आई हूँ तो मैं रोने के लिए नहीं आई हूँ, बस मुझे ये देखना है मुशरिकीन ने मेरे भाई का क्या हाल किया। हुजूर ने इजाज़त दी। हजरत सफिया करीब पहुंची और दो कफन के कपड़े थे, उन्होंने हुजूर के हवाले किए। हुजूर ने कहा कि एक कफन, एक कपड़े में मेरे चचा हजरत हमजा को कफन दे दो और दूसरे में हजरत मुसब इब्ने उमैर को। ये मुनासिब नहीं कि मेरे चचा को दो कपड़ों में गुसल दी कफन दिया जाए और एक दूसरे साहबी बगैर कफन के दफन हो। हजरत मुसब इब्ने उमैर को जो कपड़े में कफन दिया गया, पैरों के पास में जगह खुली थी, वहां पे दरख्त के पत्ते डाल दिए गए और एक ही कब्र के अंदर सारे शोहदा को दफन किया गया। आज भी शोहदाए उहद की जो कब्रें हैं वो मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे गजवे में सिर्फ एक आदमी को कत्ल किया जिसका नाम उबई इब्ने खल्फ था। ये उबई इब्ने खल्फ वो था जो मक्के में लोगों से ये कहा करता था, मैंने एक घोड़ा पाला है और मैंने कसम खाई है उसके ऊपर बैठ के मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा। हुजूर ने उससे कहा था कि इंशा अल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूंगा। और उहद के अंदर जब हुजूर पे चारों तरफ से हमला होने लगा तो ये उबई इब्ने खल्फ इधर उधर भागते फिरता था। लोगों ने बोले, क्यों भाग रहा है इधर उधर? बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा है कि वो मुझे कत्ल करेंगे, खुदा की कसम अगर वो मुझ पे थूक भी दे तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने ये कहा कि ये मौका अच्छा है, उनको कत्ल कर दो, अगर वो शहीद नहीं हुए तो मैं मारा जाऊंगा। वो हुजूर के करीब पहुंचा हमले के इरादे से, मगर हुजूर ने बर्छे का एक ऐसा वार किया जो गर्दन के नीचे के हड्डी पे लगा जिससे जरा सी खरोच आ गई। उलामा फरमाते हैं वो खरोच की वजह से वो ऐसे चीखते फिरता था जैसे बैल की आवाज होती है और कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कत्ल कर दिया। और मक्का पहुंचने से पहले पहले उसका रास्ते के अंदर ही इंतकाल हो गया। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगले जुमा को इंशाअल्लाह हिजरत के चौथे साल के मुकम्मल वाकियात बयान होंगे। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है वक्त पर पहुंचने की कोशिश करें, जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।